जब आप पैदा होते हैं बचपन में ऐसे बाहर आते हैं इस दुनिया में, क्या आपको कभी ऐसा लगता था कि मुझे स्टेज पे जाके डर लगता है, या मैं इतना एक्सप्रेसिव हो सकता हूं, या मैं इतना तेज बोल सकता हूं? क्या आप सोचते थे एक स्टेज में अगर मैं आपको खड़ा कर दूं और एक बच्चे को खड़ा कर दूं जो 1-2 साल का है, तो आप बताओ आप दोनों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन दिखेगा? वो बच्चा दिखेगा। आप तो दुनिया को देख के ऐसे डर रहे होंगे, आप ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन वो बच्चा हाय, ऐसे कर रहा होगा लोगों को देखकर। और एक्चुअल में जब कुछ पूछा जाएगा आपसे कि हाँ भाई तू अपना इंट्रोडक्शन दे, आप माय नेम इज संजय एंड आई एम फ्रॉम आई डन दिस, और जब उस बच्चे को पूछा जाएगा मुझे नहीं बताना। रोहन रोहन तो ऐसे करेगा। और एक्चुअल में कॉन्फिडेंट यही है, कॉन्फिडेंट आप अपने अंदर एक ऐसी कंडीशंस को पैदा करके करते हैं जो एक्चुअल में आप हैं। आप फ्रीली बोल सकते हैं, आप फ्रीली अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही कॉन्फिडेंट है, यही कॉन्फिडेंट का की मंत्र है। कोई अच्छे कपड़े पहन लेना, छाती चौड़ी करके, सर ऊपर करके, मुंह में तो कुछ होता ही नहीं बोलने को, मुंह 2 सेंटेंस बोलते ही समझ आ जाता है कुछ नहीं आता इसे। तो एक्चुअल में बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड नहीं करती है, ये डिसाइड करती है आप कितने फ्री हैं, अपने आप को आप एक्सेप्ट कितना कर सकते हैं। आप अपने आप को लेकर कोई आपके अंदर डाउट तो नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे को लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूं? आप अगर ऐसे दबे हुए रहेंगे तो एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस लो दिखेगा और वो आपकी शक्ल में दिखेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस बच्चे को साथ होंगी, क्योंकि अभी तो वो फ्री है, अपने एक्सप्रेशन ऐड कर सकता है, बता सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, कोई टीचर होगी, कोई उसके पेरेंट्स होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई बड़ा भाई बहन होगा, तो उसको अपनी सोशल कंडीशंस में लाना शुरू करेगा, उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट होगी, जो एक्चुअल में उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। जैसे एक टीवी आई है या कोई मोबाइल आया, एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है, उसके बाद हम सेटिंग चेंज करते हैं अपने हिसाब से। तो वो बच्चा डिफॉल्ट सेटिंग में कॉन्फिडेंट आया है इस दुनिया में, वो बच्चा डिफॉल्ट सेटिंग में बहुत खुश आया है, हैप्पी आया है, उसको कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, उसको कुछ ऐसी जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल चीजों की, महंगे कपड़े, महंगा परफ्यूम, महंगे जूते, किसी को खुश करने के लिए। उससे लोग ऐसे ही खुश हो रहे हैं, वो तो बनियाइन में ऐसे निकल जाए बाहर तो लोग उसको देख के खुश होते हैं, छोटू वो कैसा है कैसा है, क्योंकि वो एक्चुअल में उनको वो फीलिंग दे रहा है, फ्री वाली, बिल्कुल रिलैक्स वाली, जैसा है वो वैसी फीलिंग उनको दे रहा है। और एक्चुअल में हमको भी ऐसा बनना है अंदर से, हमको पता है हमको ऐसा ही होना है, लेकिन ये समाज, ये दोस्त, ये रिश्तेदार हमको ऐसा होने नहीं देते, और आप खुद भी फिर उस सारी चीजों को अपने ऊपर डाल लेते हैं, सारी चीजों को, इसको खुश करना है, इसको ऐसे खुश करना है कि मैं इसको ना अच्छे कपड़े दिखाऊं, इसको खुश करना है, इसको ना मैं देर तक बात करूंगा तो ये खुश होगा, इसको खुश करना है, इसके साथ ना मैं शॉपिंग जाऊंगा ना बेमतलब की तो ये खुश होगा। तो हम भैया दूसरों को खुश करने में लगे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी चीजें, बिहेवियर चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज हो रही हैं। एक्चुअल में क्या है हम, एक्चुअल में हमें क्या अच्छा लगता है, एक्चुअल में क्या हमें चिल्लाना अच्छा लगता है, एक्चुअल में क्या हमें हंसना अच्छा लगता है, हमको पता ही नहीं है। पता तो बचपन में था, और बचपन में किसी ने तो चिल्ला के बंद करा के, शट अप, क्यों चिल्ला रहे हो, दिखता नहीं क्लास में सब शांत है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, दिखता नहीं घर का माहौल कैसा है, क्यों हंस रहा है, क्या हो गया, क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, मार्क्स देखे तेरे कितने आए हैं, क्यों खेल रहा है। और वो बच्चा सडनली ऐसे कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, क्योंकि भाई वो बच्चा तो डिफॉल्ट सेटिंग में खुश है, उसको क्या लेना देना मार्क्स से, क्या लेना देना उस पेपर से, जो उसकी खुशी डिसाइड करेगा कि उसे हंसना कितना है, कितना रोना है, कितनी जोर से हंसना है। लेकिन ऐसा पेरेंट हम उसको ये चीजें याद दिलाते हैं कि तुझको ऐसा रहना है, नंबर अच्छे आए तब थोड़ा खुश हो सकता है,
नंबर अच्छे नहीं आए तो चिल्लाने का या हंसने का, इवन खाना खाने का हक नहीं है तेरे को अब। और बच्चा, अच्छा नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे तभी मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार करेंगे। अच्छा मैं शांत रहूंगा, साइलेंट रहूंगा, ऐसा दब्बू रहूंगा तो मेरे पापा मम्मी मुझे प्यार करेंगे, या मेरी टीचर मुझे प्यार करेगी। उस बच्चे के लिए वो क्लासरूम जो होता है उसका, वो उसकी दुनिया है, क्योंकि उससे बाहर वो जाता ही नहीं कभी। वो तो घर से क्लासरूम, क्लासरूम से घर, घर से क्लासरूम, तो वो उसका वर्ल्ड है। अब उस वर्ल्ड में अगर उस पर कोई हंसा ना, उस दुनिया में अगर उसको किसी ने चिल्लाया ना, तो इसका मतलब उसको दुनिया से निकाल दिया गया है। अब वो उस दुनिया में रहने लायक नहीं है, अब उसको दुनिया प्यार नहीं करती। तो वो क्या करेगा, उस दुनिया को खुश करने के लिए जैसा दुनिया बता रही है वैसा होना शुरू हो जाएगा। टीचर कह रही है शट अप, चुप करो, पिन ड्रॉप साइलेंट, तो भैया वो साइलेंट है, साइलेंट है। उसने अपने अनकॉन्शियस माइंड में ये डाल लिया कि साइलेंट रहना, एक्सप्रेस ना होना, हंसना ना होना, ना हंसना, इन चीजों से मुझे प्यार मिलेगा। मेरे माँ बाप मुझे प्यार करेंगे, मेरे टीचर मुझे प्यार करेंगे, मेरे दोस्त मुझे प्यार करेंगे। और ये चीजें उसने अनकॉन्शियस माइंड में अपने डाल ली। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसमें हमें चीजें थोड़ी बहुत याद रहती हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको हेल्प करती हैं काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हम ऐसी चीजें डालते हैं जो हम कभी याद नहीं करना चाहते और उनको दबा के रखना चाहते हैं। और जब आपको स्टेज में बुलाया जाता है कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए, अचानक हे संजय स्टेज पे आ, अपना इंट्रोडक्शन दे, जो एक ये जो फीलिंग आती है, गला बंद होने की, सांस भारी होने की, सांस ली नहीं जाती, हमने वो अनकॉन्शियस जो चीजें थी बचपन की उस पे उंगली कर दी किसी ने, पोक करना बोलते हैं इसको, पोक कर दिया। अब उस उंगली कर दी मतलब वो चीजें फिर से जिंदा कर दी, एक तरीके से याद दिला दी। क्योंकि वो चीजें तो मैं जब छोटा था, मेरे टीचर स्कूल में मैंने तो वो दबा दी थी और मैं भूल गया था, लेकिन जैसे ही चीजें उम्र बढ़ी, मेरी उम्र बढ़ी, वो चीजें बढ़ती गई, बढ़ती गई मेरे साथ। मैं 25 साल का हुआ, 26 साल का हुआ, वो चीजें और बढ़ गई, लेकिन मैंने कभी उनको याद नहीं किया, उनको दबा के रखा। लेकिन आज इस टीचर ने या आज इस ट्रेनर ने मुझको स्टेज पे बुला के वो चीजें फिर से याद दिला दी, फिर से उंगली कर दी उनमें, अब वो चीजें सडनली मुझे याद आ गई। इसलिए सांस नहीं आ रही, इसलिए गला बंद हो रहा है, इसलिए स्टेज पे ऐसे जाने पे लग रहा है कि मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, चट्टान से गिर जाऊंगा। लेकिन क्या मुझे आप बताओ, स्टेज पे जाके बोलने से आप सच में मर जाओगे? क्या आप सच में चट्टान से गिर जाओगे, पहाड़ी से गिर जाओगे? ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसी फीलिंग क्यों आती है, इसको बोलते हैं रॉन्ग इमोशंस, अनहेल्दी इमोशंस। हेल्दी इमोशंस हमारे क्या हैं? गुस्सा होना, डर लगना, हंसना, सैड होना, ये हमारे हेल्दी इमोशंस हैं। भाई हमारा मोबाइल टूट गया, हमारे पैसे चोरी हो गए, हमें दुख होना चाहिए, क्योंकि जब आप दुख होगे तभी आप कुछ करोगे उसको पाने के लिए। कोई चोर आके आपको बंदूक दिखा रहा है, पैसे मांग रहा है, तो आपको डरना चाहिए? वो रियल इमोशंस हैं, वो हेल्दी इमोशंस हैं आपके। हाँ हाँ ठीक है, ले भाई पैसा ले ले, भाग जा, मेरी जान छोड़ दे, जान बच गई आपकी। इस इमोशंस ने, डर के इमोशन ने आपकी जान बचा दी, तो ये आपके हेल्दी इमोशंस हैं। लेकिन स्टेज पे जाके बोलना है और आपको आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या याद दिला रहा है, तू मर जाएगा, तू पहाड़ से गिर जाएगा, तेरे को सांस नहीं आ रही, देख सांस नहीं आ रही, तू मर जाएगा। लेकिन ये होता है क्या? तो ये आपके अनहेल्दी इमोशंस हैं। इन अनहेल्दी इमोशंस को आपको सरफेस पे लाना है, क्योंकि ये तो अनकॉन्शियस माइंड में दबे हैं हमारे, बचपन में डाल दिए हैं कहीं, तो एकदम एकदम अंदर, इतने अंदर कि भाई हाथ पाइप डाल के खींचो तो भी ना मिले, इतने अंदर है वो। तो अब वो ऊपर लाने हैं, और ऊपर कैसे आते हैं, जैसे सडनली किसी ने स्टेज पे बुला लिया इंट्रोडक्शन देने के लिए, सडनली पब्लिक में किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, सडनली किसी पब्लिक में किसी लड़की ने आपसे कुछ पूछ लिया, तो ये चीज पोक होती है, मतलब उंगली होती है,
कोई उंगली करता है इस पे, उंगली करी किसी ने तो ये ऊपर आती है। और आपको क्या करना है, जैसे ये ऊपर आए, कैसे जैसे ये ऊपर आए आपको इनको पहचानना है, रियलाइज करना है और रिलीज कर देना है, क्योंकि ये अनहेल्दी इमोशंस हैं, इनको रिलीज कर देना, इनको दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। दबाना और सप्रेस का मतलब नहीं, ये गलत है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बोलूंगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, और वहां जाके पसीने छूट गए, आधी चीजें बोल पाए, आधी चीजें नहीं बोल पाए और गड्ढे में गिर गए, क्योंकि आपने वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करी, वो अपने अनहेल्दी इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करे, उनको रेसिस्ट किया, उनको सप्रेस किया, और अब क्या हो गए, आप पब्लिक में चले गए, स्टेज में चले गए, और वहां सच में आपका पोपट हो गया, आप कुछ नहीं बोल पाए, पसीने छूट गए आपके और हकलाने लगे। अब ये तो और ज्यादा बैड ट्रोमा क्रिएट हो गया आपके लिए। बैड ट्रोमा मतलब वो तो छोटा ट्रोमा था जो बचपन में दबा लिया था, अब एक्चुअल में अडल्ट लाइफ में आपको ऐसा फील हो गया, तो आप तो अब जिंदगी भर नहीं जाओगे स्टेज पे, जिंदगी भर नहीं जाओगे, शायद आपको फोबिया हो जाए। और फोबिया ऐसे ही क्रिएट होते हैं, पानी से फोबिया हो गया, पब्लिक स्पीकिंग से फोबिया हो गया, क्राउड ज्यादा लोग देखकर फोबिया हो गया, ये ट्रोमा स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको बचने के लिए क्या करना है, इन फीलिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है। अच्छा ऐसा हो रहा है, बट ऐसा तो है नहीं, मैं मर तो जाऊंगा नहीं, तो ये अनहेल्दी इमोशंस है मेरे। अच्छा ये क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं, ठीक है आ जा, एक्सेप्ट करा मैंने, हाँ ठीक है, और रिलीज कर दिया। किसी लड़की से बात करने जाना है, डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा पहाड़ी से, देखो क्यों आ रही है फीलिंग, वो लड़की क्या करेगी, जैसा था ऐसे करके चली जाएगी, या पूछेगी क्यों, क्या हो गया, क्यों बात करनी है, या सच में बोल दे हाँ हेलो मेरा नाम रश्मि है। तीन तीन तरीके के आउटकम है इसमें, पहाड़ से गिर को कोई मर जाएगा, या कुछ पूरा हो जाएगा, या दुनिया बोलेगी इसको अब कोई पसंद नहीं करेगा, इसकी बेइज्जती हो गई, अब इसको कोई पसंद नहीं करेगा, अब इसको कोई प्यार नहीं करेगा, ये रिजेक्टेड पीस है, ये फेलियर है, इसको अकेला छोड़ दो, इसको जेल में डाल दो, ऐसा होगा, यही तो आपको लगता है, और इसी फीलिंग को आपको आने देना है और रिलीज कर देना। और जो आपके मन में आए बोलो जाके यार मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बात करूं, मेरे तो शब्द रुक गए, मेरा मुंह रुक गया, मैं सच में समझ नहीं आ रहा। ये बोलकर भी आप कॉन्फिडेंट हो, आप जेन्युइन हो, और ये सुनकर सामने वाली लड़की या लड़का सच में आपको पसंद करे, क्योंकि आपने जेन्युइनिटी दिखाई, अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाई, जहाँ की हाय माने में समझा, आई हैव दिस मच फॉलोअर, आई हैव दिस आईफोन मोबाइल, ये करने की बजाय आप एक्चुअल में जो है, आपके मुंह में जो आ रहा है, आपके दिल में जो आ रहा है, जो भी फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं, ऊपर आ रही हैं, सरफेस में आ रही हैं, एक्सप्रेस कर दो। एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, बता दो यार मुझे तो बहुत डर, सच में बहुत डर लग रहा है, मैं क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। यही आपका कॉन्फिडेंस है, इसमें भी तो आप कॉन्फिडेंट ही दिख रहे हो, एक्चुअल में आप दिखा रहे हो जो, बजाय कि कुछ ऐसी लाइन पकड़ने के, पिकअप लाइन पकड़ने के जो बहुत से यूट्यूबर सिखाते हैं या नेट पे है, इसकी बजाय यार जो है वो बता दो ना, पिकअप लाइन एक बार पकड़ी, फिर दूसरी लाइन याद करी, फिर तीसरी लाइन भूल गए, फिर चौथी लाइन पकड़ी, फिर पांचवी लाइन भूल गए, और फिर मैं तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो ये हूं ही नहीं जो बोल रहा हूं, फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर लड़की देखती है लटके आया था क्या, फिर तो क्यों कर रहे हो ये, यही तो चीज मैं सिखा रहा हूं, यही चीज मैं बता रहा हूं आपको, अनहेल्दी इमोशंस और हेल्दी इमोशंस पहचानने हैं, और अपने अनहेल्दी इमोशंस को बाहर निकालना है, लेट गो करना है, और जैसे जैसे आप लेट गो करेंगे आप मोर कंफर्टेबल होते जाएंगे, जो आप हैं, जैसे आप हैं, जैसे आप दिखते हैं, एक सिंगल सेट में आप बैठ सकते हैं, और जो लोग मुझे पसंद करेंगे मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, जो लोग नहीं पसंद करेंगे टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं जुड़े वो बहुत बेकार लोग थे, उन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, हो गंदे लोग नहीं, गंदे हैं वो बहुत अच्छे बेटे हो सकते हैं किसी के, बहुत अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं किसी के, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं किसी के, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करी, जो चीज मैं बताता हूं शायद उनको उतनी समझ नहीं आ रही है,
तो वो चले गए, लेकिन जिनको समझ आएगी उन वो मेरे एक्चुअल में फॉलोअर रहेंगे, एक्चुअल में सब्सक्राइबर रहेंगे, एक्चुअल में दोस्त रहेंगे। यही चीज आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वही आपके एक्चुअल दोस्त होंगे, और ऐसे ही लोगों को आपको ढूंढना है अपनी रियल आइडेंटिटी से, और उनको अपने आसपास रखना है। उनको चाय पानी पिलाओ, नींबू पानी पिलाओ, और जो आपको पसंद ना करें, तुझे हम पसंद नहीं करते हैं, हम चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके आगे पीछे मत घूमो। प्लीज मुझे पसंद करो, प्लीज मुझे पसंद करो, प्लीज मुझे अप्रूवल दो, प्लीज प्लीज मुझे अप्रूवल दो, वैलिडेशन दो। नहीं, जो जा रहा है जाने दो, जो आ रहा है उसको वेलकम करो, उसको नींबू पानी पिलाओ, क्योंकि वो एक्चुअल में तुम्हारा फ्रेंड है, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ को ऊपर ले जाएगा, वो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा, वो एक्चुअल में आपके समझता है, आपकी रियल आइडेंटिटी को उसने एक्सेप्ट किया है, तो वो एक्चुअल में आपके साथ है। इस चीज को आपको समझना है। और कॉन्फिडेंट, आई होप आपको कॉन्फिडेंट का मतलब समझ आया होगा। आपका कंटेंट आपको पता है, आप जो बोलने वाले हैं वो पता है, आप जैसे दिखते हैं आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप ऐसा कुछ फेक बन नहीं रहे, कुछ फेक एक्सप्रेशन ला नहीं रहे, कुछ फेक बॉडी लैंग्वेज कर नहीं रहे, तो आप कॉन्फिडेंट है, आपको कौन हिला सकता है भाई? जो आप हो वो हो, जैसे दिख रहे हो वैसे दिख रहे हो, नॉर्मल शर्ट डाल ली है, नॉर्मल पैंट डाल लिया है, नॉर्मल बाल बना लिए, बस यही कॉन्फिडेंस है। तो आपको ऐसा ही रहना है, और यही कॉन्फिडेंस की असली डेफिनेशन है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी चीजें समझ आई होंगी, नॉट जस्ट वन। टॉपिक थोड़ा ऑफ हो गया था बीच में, बट वो चीजें सब रिलेटेड हैं। मैं एक चीज पकड़ के बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, सब चीजें बतानी पड़ती हैं साथ में, और इसी से आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार बचपन से हमको ऐसा करा गया है क्या, ये एक्चुअल में हमारी अडल्ट का या हमारी ट्रेनिंग का या हमारी स्कूलिंग की गलती नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी बचपन की गलती है क्या, और किसी और की गलती है, हमारी तो है ही नहीं, तो क्या करें। इसके लिए और वीडियो मैंने बनाए हैं, टेक्निक सिखाई हैं इन रिलीज करने के लिए, जो भी हमारे अनहेल्दी इमोशंस हैं उसको आप देखिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।